वेलकम बैक टू माय चैनल एनजी फैशन स्टाइल। मैं मनोज खान आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ये लुक। हल्दी लुक है और हल्दी फंक्शन या फिर उपटन फंक्शन को मॉडर्न में उपटन कहते हैं एंड हल्दी फंक्शन भी कहते हैं। तो ये लुक आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। वीडियो को फुल जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा और जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। तो चलिए अपनी वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्ट। सबसे पहले अपने फेस को मॉइस्चराइज करने के लिए यहाँ पर मैं अपने वैसलीन बॉडी लोशन का यूज़ कर रही हूँ। फेस को अच्छे से मॉइस्चराइज किया है एंड देन उसके बाद मैंने फेस को प्राइम किया है। वीडियो रिकॉर्ड करना भूल गई थी। नेक्स्ट यहाँ पे मैंने बायोटिक का मॉइस्चराइज़र लिया है एंड उसमें मेबलिन फिट मी का फाउंडेशन एंड हिलारियोडा का फाउंडेशन तीनों चीज़ों को मिक्स करके अच्छे से अपने फेस पर डॉट डॉट करके अप्लाई करना है। फाउंडेशन में मॉइस्चराइज़र अप्लाई करने से गाइस ये होता है ना कि आसानी से फेस पे फाउंडेशन अप्लाई हो जाता है, ब्लेंड हो जाता है, बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होती हमें ब्लेंड करने में। चाहे आप इसको ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड करें या फिर ब्रश से या फिर अपनी फिंगर की हेल्प से। तो यहाँ पर मैं अपनी फिंगर का यूज़ कर रही हूँ अच्छे से फाउंडेशन को ब्लेंड करने के लिए एंड ये सिंपल तरीका होता है। ये हर गर्ल्स और लेडीज़ ट्राई करती हैं हाथों से फेस पे फाउंडेशन ब्लेंड करने के लिए। एंड नेक्स्ट अपने पूरे फेस के फाउंडेशन को सेट करने के लिए यहाँ पर हिलारियोडा का अपना फेस पाउडर का यूज़ कर रही हूँ। डैप डैप करके अपने फेस को जो है अच्छे से सेट कर रही हूँ ताकि हमारा फाउंडेशन जो है हमारी स्किन अच्छे से सेट हो जाए और बिल्कुल भी पैची या केकी ना लगे। नेक्स्ट यहाँ पे आईब्रोज़ के लिए यहाँ पे आईब्रो पोमेड का ब्राउन शेड लेके मैंने यहाँ पे आईब्रोज बना रही हूँ। एंगुलर ब्रश की हेल्प से यहाँ पर शेप देते हुए अपनी आईब्रोज़ को फिल करते हुए यहाँ पे मैं अपनी आईब्रोज बना रही हूँ एंड आप देख सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे स्पूली की हेल्प से मैं इसको क्लीन कर रही हूँ ताकि बिल्कुल भी डार्क मेरी आईब्रोज ना लगें। एनएक्स यहाँ पर आई शेडोज़ के लिए मैं सिग्मा की ये मेरे गोल्डन ग्लिटर्स हैं जो कि मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, काफ़ी पिगमेंटेड है और इसको मैं फिंगर की हेल्प से अप्लाई कर रही हूँ और जो एक्स्ट्रा जो मेरे फेस पर गिर गया उसको डस्ट आउट कर रही हूँ। एंड यहाँ पे लाइनर के लिए मैं APK का जेल लाइनर का यूज़ कर रही हूँ। इसका रिव्यू मेरे चैनल पर मिल जाएगा। अभी हाल ही में ही मैंने 3-4 दिन पहले इसका रिव्यू किया है अपने चैनल पर। काफ़ी अच्छा जेल लाइनर है, मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आया क्योंकि स्मूथली अपनी आइज़ पर अप्लाई हो जाता है और बिल्कुल भी बेकार नहीं लगता है। और वाटरप्रूफ आईलाइनर है और बहुत ही अच्छे से अप्लाई हो जाता है। आप इसको काजल की तरह भी यूज़ कर सकते हैं एंड लाइनर की तरह भी, दोनों ही तरह से यूज़ हो सकता है और ये बहुत ही अच्छा लगता है और काफ़ी डार्क भी है। एंड नेक्स्ट यहाँ पे मैं अपनी गोल्डन जो ग्लिटर मैंने अपनी आइज पर अप्लाई किया था उसके ऊपर मैं गोल्डन लिक्विड ग्लिटर भी अप्लाई कर रही हूँ ताकि जो है और डार्क गोल्डन आइज लगें और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल लगें। एंड यहाँ पर कॉन्ट्योरिंग के लिए मैं ADS की कॉन्ट्योरिंग और कंसीलिंग पैलेट लिखकर उसे अपने फेस को कॉन्ट्योर कर रही हूँ, चीक्स को कॉन्ट्योर कर रही हूँ एंड नोज़ को भी अपने कॉन्ट्योर करूँगी। तो फेस को कॉन्ट्योरिंग करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है जिससे हमारे फेस में बहुत ही अच्छे से एक नेचुरल लुक लगता है, जिससे हमारे फेस पे ऐसा नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा हमने फेस पे फाउंडेशन वगैरह लगा रखा है, बिल्कुल नेचुरल मेकअप लगता है। ऐसा लगता है जिससे हमने फेस पे मेरा मेकअप जो है बहुत अच्छे से सेट हो गया है, बहुत ज़्यादा गोरा चिकटा चेहरा नहीं लगता है, एकदम बिल्कुल नॉर्मल लगता है, बहुत ही अच्छा लगता है। एंड यहाँ पे नोज़ को हाईलाइट कर रही हूँ एंड अंडर आई को भी कवर करने के लिए यहाँ पे मैं ब्रश की हेल्प से कंसीलर अप्लाई कर रही हूँ और फिंगर की हेल्प से यहाँ पे ईजिली ब्लेंड कर रही हूँ क्योंकि मुझे फिंगर से कंसीलर ब्लेंड करने में ज़्यादा आसानी होती है क्योंकि अच्छे से ब्लेंड हो जाता है और क्योंकि पैची नहीं लगता है। कंसीलर पे कोई भी हार्शेस ना नज़र आए तो इसके लिए यहाँ पे मैं अपने कंसीलर को सेट करने के लिए लूज़ पाउडर का यूज़ कर रही हूँ। हिलारियोडा का लूज़ पाउडर है, उसको मैं अपने फेस को अच्छे से पूरे इसको सेट कर रही हूँ। एंड यहाँ पर ब्लशर के लिए यहाँ पे स्विस ब्यूटी का 5-in-1 ब्लशर पैलेट मैंने ली है, उसे जो है मैं अपने फेस को ब्लश कर रही हूँ। अच्छे से स्माइल करते हुए फेस पर ब्लशर को अप्लाई करना है। एनएक्स यहाँ पे पिंक गुला की मेरी पिंक लिपस्टिक है, मुझे फेवरेट लगता है पिंक कलर क्योंकि मेरा फेवरेट कलर ही पिंक है, तो मुझे ये कलर बहुत ही ज़्यादा पसंद आया है एंड मुझे रेड से ज़्यादा पिंक कलर अच्छा लगता है। इसको अपनी लिप्स पर अप्लाई करते हुए डायरेक्ट लिप ग्लॉस वगैरह कुछ नहीं लगाया है और वैसे मैं लिप बाम वगैरह अप्लाई करती रहती हूँ। एंड उसके बाद यहाँ पर फेक लैशेस अप्लाई करी है हिलारियोडा के ग्लो के साथ एंड देन
उसके बाद अपनी लैशेस, ओरिजिनल लैशेस और फेक लैशेस को मिक्स करने के लिए यहाँ पे मस्कारा का यूज़ करी हूँ, नीचे लैशेस पे भी मस्कारा लगाते हुए। तो एंड नेक्स्ट यहाँ पे मेरा मेकअप डन हो चुका है। एंड पूरे मेकअप को सेट करने के लिए यहाँ पे स्विस ब्यूटी का मेकअप फिक्सर का यूज़ करी हूँ। गाइस ये मेकअप फिक्सर बहुत ही अच्छा है, इससे काफ़ी अच्छी फेस पे शाइन आती है और काफ़ी अच्छा ग्लो लगता है अपने फेस पर। तो सी गाइस फाइनल लुक। तो देखा गाइज आपने मेरा फाइनल लुक कि कितना ज़्यादा प्यारा और कितना ज़्यादा प्रिटी लग रहा है। तो ये और आप चाहे तो इसके साथ छोटी भी कर सकते हैं, हेयर स्टाइल कोई भी बना सकते हैं। मैंने ये हेयर स्टाइल बनाया ओपन बालों का और आप इसके साथ में दुपट्टा भी आप सर से कर सकते हैं। जैसा चाहे आपको जैसा पसंद हो आप वैसा कर सकते हैं। मेकअप लुक आपको आई होप सबको पसंद आया हो। वीडियो पसंद आई है वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए और जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।